इस आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप अपनी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी आपने तैयार करी है, जिस कंपनी के अंदर आपने पैसा लगाया है, उस कंपनी में कुछ हम फिक्स एसेट परचेज करेंगे। आज के एंट्री में फिक्स एसेट्स आपको पता होंगे, आपने मेरे इससे पहले की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होंगे कि एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि मूवेबल एसेट होते हैं। इन एसेट्स को आप अपने बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम तक रन करा सकते हैं और ये एसेट आपको लॉन्ग टाइम तक आपके बिजनेस के साथ चलेंगे और आपको प्रॉफिट अर्न करा के देंगे। सपोज दैट आपने एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आपने ऑफिस पर्पस के लिए खरीदा, आपको ऑफिस में उसमें अकाउंटिंग करनी है, आपको उसके अंदर टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो आपका एक फिक्स एसेट होगा। और आपको मैंने ये भी बताया था शुरू के लेक्चर्स में ही कि आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपका कोई एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट करेगा और एसेट कम होगा तो एसेट आपका क्रेडिट करेगा। इसी तरीके से मैंने आपको लायबिलिटी के बारे में भी बताया था कि जब आपकी कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी अपनी कंपनी के अंदर और हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट वहाँ पे क्रेडिट कर रहा था। और मैंने ये भी बताया था कि जब आपकी कोई भी लायबिलिटी कम होती है तो आप डेबिट कराएंगे। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम आप आज की अपनी परचेज की एंट्री पूरी करेंगे और देखेंगे कि फिक्स एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होती है। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास जो फिक्स एसेट का बिल है वो किस कंपनी से आया है। ये हमें सबसे पहले हमारे हाथ में बिल होना चाहिए। मेरे पास एक डमी बिल है, मैं उसको आपको करके बताता हूँ। सपोजेड मैंने एक लैपटॉप खरीदा, जिस लैपटॉप के ऊपर आप ये टैली देख रहे हो, सपोजेड मैंने ये लैपटॉप खरीदा कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए, तो हमें इस लैपटॉप की एंट्री करनी है। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ, हमारे पास पहली बात अभी कोई फिक्स एसेट होगा नहीं, अगर होगा तो लैपटॉप नहीं होगा। इसके लिए हम अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट के लिए हम बी शॉर्टकट प्रेस करते हैं, गेट फॉर टैली पे आप बी फॉर बॉल, और ये आपको यहाँ पर ले आएगा। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ करेंट एसेट्स दिख रहे हैं आपको, फिक्स एसेट्स का कोई हेड नहीं है अभी तक। तो चलिए हम सबसे पहले एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जो आप फिक्स एसेट्स लेने वाले हो उसका लेजर बनाना होगा। और हम अब थोड़े से एडवांस लेवल में आ गए हैं तो हम लेजर एंट्री करते टाइम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और इसके अंदर हमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जो परचेज ली है फिक्स एसेट की वो क्रेडिट में लिया है या कैश में लिए। अगर आपने कैश में लिया है तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। अगर आपने क्रेडिट पे लिया है तो उसकी एंट्री आपको जनरल वाउचर में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट के अंदर आप किसी क्रेडिटर को ऐड नहीं करा सकते, क्योंकि पेमेंट का मतलब है आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ला करके लैपटॉप अकाउंट डेबिट कराऊंगा और इनका टैक्स डेबिट कराऊंगा और कैश क्रेडिट कराऊंगा तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं किसी पार्टी को क्रेडिट कराऊंगा तो पेमेंट वाउचर में कैश के अलावा कोई एंट्री नहीं होती है, या बैंक या कैश दोनों से एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। इसीलिए हम फॉलो करेंगे जर्नल एंट्री को। इसलिए हम जर्नल एंट्री के लिए F7 प्रेस करते हैं। आप साइड में देख पा रहे होगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें F7 जर्नल एंट्री के लिए, तो हम F7 प्रेस करेंगे और ये हमारे जर्नल एंट्री का वाउचर खुल जाएगा। सबसे पहले हमें इसमें डेट सेलेक्ट करनी होती है कि आपकी डेट किस डेट को आपने परचेज ली है। तो मैं यहाँ से F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पर डेट आएगी। तो ये मैंने लैपटॉप लिया था कंपनी स्टार्ट करने से पहले, लेकिन इसकी एंट्री मैं आपको तभी नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी सी हाई लेवल पे हो जाती है। तो ये देखिए हमने डेट सेलेक्ट कर ली। अब हमें वो इनवाइस नंबर लेना है, जो इनवाइस नंबर हमें जिससे हमने परचेज किया है माल, तो हमने विजय सेल से लिया है तो VJ प्रेस करूँगा और इसका जो इनवाइस नंबर 520 है, इसका VJ 520 ही चलता है इनवाइस नंबर। और यहाँ पर हम उस अकाउंट को डेबिट कराएंगे जो हमारा एसेट बढ़ रहा है, और आपको पता है कि डेबिट जब कराते हैं हम किसी भी एसेट को तो वो बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी आप देख पा रहे होगे लैपटॉप अकाउंट नहीं है, अगर मैं लिखूँ तो लैपटॉप अकाउंट मेरे पास नहीं है। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करोगे आप तो डायरेक्ट आप लेजर क्रिएशन में आ जाओगे। यहाँ पे आप टाइप करोगे लैपटॉप, अकाउंट, और यहाँ पे आकर के आपको यहाँ पे इसको फिक्स एसेट के अंदर लेके जाना है। आप फिक्स एसेट टाइप करोगे आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पे आप गुड्स कर सकते हो और हम एंटर करके आगे चले जाएंगे। और यहाँ पे हम इनका अमाउंट टाइप करेंगे जो आपका एक्चुअल AC की अभी वैल्यू है विदाउट टैक्स। और यहाँ पे फिर हम जहाँ पे आपको क्रेडिट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप इसको फिर डेबिट DR प्रेस करोगे तो फिर डेबिट ऑप्शन आ जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ लैपटॉप की वैल्यू आपने लिखी, इसके टैक्स को भी इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो हम CGST लगाते हैं क्योंकि लोकल परचेज मेरी है, मैं दिल्ली में ही हूँ,
और ये आपका टैक्स हो गया, ये आपको बिल पे पहले से मेंशन होगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। जो भी बिल आता है वो पहले से कैलकुलेट करके देता है, बाइफरकेट करके देता है कि हमारे पास कौन कितना अमाउंट टैक्स का है और कितना अमाउंट हमारा जो आपने गुड्स लिए उसका है विदाउट टैक्स। और यहाँ पे CGST ले लेंगे और इसका टैक्स टाइप कर देंगे। अब फाइनल वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप कैश डेबिट कराते हो, सॉरी कैश अगर आप क्रेडिट कराते हो तो इसकी एंट्री को आप पेमेंट में ले सकते थे, लेकिन हमने क्रेडिट पे लिया है तो हमने देखना पड़ेगा कि विजय सेल्स से हमने पहले कभी सामान लिया है नहीं, विजय सेल्स का नहीं है, हमने विजय सेल्स से सामान नहीं लिया है, तो विजय सेल्स का भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे यहीं पर। देखिए इसको सन्ड्री क्रेडिटर में हम रखेंगे, लेकिन जब आपकी कंपनी का ऑडिट होता है, जब लास्ट में जाकर के आप बैलेंस शीट ऑडिट कराते हो CA से, तो वहाँ पर के जो ये क्रेडिटर आपका है तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिखा सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट, क्योंकि ये आपका बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिटर नहीं है, ये आपको गुड्स इससे आप परचेज करके दोबारा सेल नहीं करते हो, या इससे आप गुड्स परचेज करके मैन्युफैक्चरिंग यूज़ नहीं कर रहे हो, ये आपको जस्ट आप एक आराम के लिए फिक्स एसेट को परचेज करो लैपटॉप के लिए, ताकि आपको मैनुअली हाथ से एंट्रीज ना करनी पड़े, तो इसको आप सेंट्रिक क्रेडिटर में रखेंगे। ये आपका विजय, ये देखिए फाइनल बिल बन गया है, और इस पर हम नरेशन भी दे सकते हैं, पेमेंट आफ्टर 7 days। अब इससे हमारे दो फायदे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, इससे मैं आपको अगली एंट्री बता दूंगा इसी के साथ साथ, कि हम एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं इसमें, कि आपने जो अभी एंट्री करी है उसका इम्पैक्ट हम सबसे पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे आप बी प्रेस करोगे, यहाँ देखिए फिक्स एसेट आपका बढ़ गया है, 24,500 रुपये का फिक्स एसेट था, इसके ऊपर टैक्स था। आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपने किसी से माल लिया भी, किससे, विजय सेल से। अब विजय सेल्स से आपको 31,360 रुपये पे करने हैं, इनके बैलेंस क्रेडिट दिखा रहा है, जब आप इसको डेबिट करा दोगे इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, यानी ये क्रेडिटर अभी हमारा खड़ा हुआ है, इसको हमें पेमेंट करनी है। तो अब ये जनरल से एंट्री हम वहाँ से लेके आए फिक्स एसेट, लेकिन इसको पेमेंट करके इसका लेजर हमें बराबर करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ रनिंग बैलेंस ऑन करके, ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट है, बैलेंस क्रेडिट है, यहाँ पे देखिए एक ही साइड है, अगर जो बैलेंस क्रेडिट कर रहा है उतने से आप इसको डेबिट कराओगे अकाउंट नील हो जाएगा, आपको ये बात पता होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनकी पेमेंट कर देता हूँ, जो इनका जितना भी अमाउंट है अजय विजय सेल्स का, इसका अमाउंट मैं डेबिट करवा देता हूँ, इसकी पेमेंट मैं कर देता हूँ। तो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आएंगे और पेमेंट वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, सपोजिट हमने 5/4 को पेमेंट कर दी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे आपको डेबिट कराना है पार्टी अकाउंट, क्योंकि आपको पता होगा जब हमारा कोई भी एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट करता है, हम कोई भी एक साइड को पकड़ लेंगे दूसरी साइड उसके अपोजिट होती है, हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में यही होता है। अब हम यहाँ पे हम देख लेंगे कि हम यहाँ पे पार्टी अकाउंट दिखाना, तो हम विजय सेल्स टाइप करते हो ना आ जाएगा, जो अमाउंट आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्लोजिंग अमाउंट उनका कितना है, अगर आप वहाँ से भूल गए जैसे आपने देखा लास्ट बिल कितने का था, तो लास्ट बिल आपका या लास्ट क्लोजिंग बैलेंस यही है उनका। तो यहाँ पर 31,360 टाइप करोगे और यहाँ पे आप क्रेडिट करा दोगे किसको, चाहे आप कैश से पेमेंट कर दो चाहे बैंक से पेमेंट कर दो। तो मैं बैंक से पेमेंट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने बैंक से पेमेंट कर दी। आप चेक के थ्रू करते हो तो यहाँ पे आप चेक दे सकते हो और यहाँ पे चेक नंबर लिख सकते हो, और अगर बैक स्पेस प्रेस करोगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन NEFT कराई है तो इसमें, और अदर चार्जेस का मैं आपको बताऊँगा कौन से अदर चार्जेस में हम डालते हैं। ये लीजिए, अब मैं आपको फिर से अपने क्रेडिटर भाई साहब को दिखा देता हूँ लेजर्स के अंदर आके। देखिए भाई साहब का लेजर नील है, क्लोजिंग बैलेंस आप देख पा रहे होगे यहाँ पे नील है, इससे पहले क्लोजिंग बैलेंस जो था वो इतना ही खड़ा था। मैं इस एंट्री को हाइड करके दिखाता हूँ, हाइड का फीचर आप सीख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हाइड करना भी सीख लीजिए और अनहाइड करना भी सीख लीजिए। यहाँ से ऑल्ट के साथ मैं R प्रेस करूँगा तो देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस इंपैक्ट आ गया 31,000 रुपये, क्योंकि कोई भी एंट्री हमने कैश की यहाँ पे आप बैंक से नहीं करी थी। आप ऑल्ट के साथ U प्रेस करोगे वापस एंट्री आ जाएगी आपकी। थैंक यू दोस्तों, आज हमारी ये फिक्स एसेट की एंट्री कंप्लीट हुई है, और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हमारा जो टैली का जो फर्स्ट पार्ट है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें दिक्कत आ रही हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो आपका होता है उसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन एनेबल करने पड़ते हैं GST से रिलेटेड नई कंपनी में,
वैट ओपन रहता है, जीएसटी नहीं खुली होती, जीएसटी के फीचर ऐड करने पड़ते हैं, एसजीएसटी सीजीएसटी के लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, जीएसटी पे आइटम पे टैक्स लगानी पड़ती है, वो फ्लो थोड़ा सा हार्ड रहता है फर्स्ट वीडियोस फर्स्ट पार्ट का ही। अगर आपकी रिक्वेस्ट मेरे को आएगी तो मैं उस पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा, एक ब्रीफली वीडियो बना दूंगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।